कॉलोनी जो हमने बनाई है, जैसे कि आपने फरमाया कि जो वहाँ अफेक्टेड लोग थे उनके लिए बनाई गई है, बहुत मुख्तलिफ देहातों के गाँव के लोगों को वहाँ हमने मकान फराहम किए हैं। ये 88 मकान पर मुश्तमिल एक कॉलोनी है, 88 मकान बनाए गए हैं। 8 बीघा ज़मीन हमने ख़रीदी थी और वो ज़मीन भी हमको एक हिंदू भाई ने दी है जिसके पास से हमने ख़रीदी है। और यहाँ पर 88 जो मकान बने हैं, ये मकान तकरीबन एक मकान 2,60,000 के खर्चे पर बैठा हुआ है और एक सिस्टमेटिक कॉलोनी हमने तामीर की है। अगर वो ऊपर बनाना चाहेंगे तो ऊपर भी बना सकते हैं, एक मंजिला भी बना सकते हैं, दो मंजिले बना सकते हैं, इतनी मज़बूत हमने ये मकानों की नींवें रखी हुई हैं। इसके साथ साथ ये पूरी कॉलोनी के साथ एक मस्जिद बनाने जा रहे हैं हम लोग और एक कम्युनिटी सेंटर होगा इंशाल्लाह। मंसूबा यह है कि एक प्राइमरी स्कूल भी वहाँ बनाई जाएगी, उनके लिए कब्रिस्तान की जगह भी एक मुख्तस की जाएगी जो ज़मीन हमने अलग से ख़रीदी हुई है इसमें से। और फिर इसके साथ हम ये सोच रहे हैं और अल्लाह ताला अगर मदद फरमाएगा तो एक मिनी ITI भी वहाँ कायम करेंगे, जिससे कॉलोनी के लोगों और कॉलोनी से के अतराफ़ में जो मुसलमान हैं और जो हमारे गैर मुस्लिम बिरादरान वतन हैं उनके बच्चों को अच्छी तालीम हासिल हो सके और ओवरऑल उन लोगों का अपलिफ्ट हो सके। इसके लिए पूरा रिहेबिलिटेशन का हमने प्रोग्राम किया। आमतौर पर हर जगह तकरीबन ये सिचुएशन पैदा होती है कि गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, नहीं करती हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे आसाम हो, चाहे यूपी का मुजफ्फरनगर का इलाका हो। गुजरात में BJP गवर्नमेंट थी जिससे हमने देखा कि वो जो कंपेसेट उनको करना चाहिए और जिस तरह के लोगों को उनको फिर से जो उनकी जिम्मेदारी थी गवर्नमेंट की वो पूरी करनी चाहिए, नहीं की। आसाम में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहाँ भी वही बातें दोहराई जा रही थी और यहाँ भी यही हुआ है कि कंपेसेट किया है उन्होंने। जैसे कि एक फैमिली में 4 लोग थे, एक ही मकान में रह रहे थे, एक बाप था, 3 बेटे थे, अब मकान ख़त्म हो गया, वहाँ अब रह नहीं सकते हैं और 5 लाख रुपया अगर दिया भी है तो बाप को दिया है। अब बाप है और इसके 3 बेटे हैं या 4 बेटे हैं, किसी कोई एक बेटा इसके साथ अगर रह भी जाता है तो 5 लाख में क्या आएगा, 5 लाख में बनेगा भी क्या? तो फिर बाकी के जो हैं उनको कुछ नहीं मिला है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको कोई कंपेंसेशन नहीं मिला हुआ है और कुछ ऐसी जगहें हैं कि जिनके मकान अब तो नुकसान नहीं हुआ लेकिन अब वो वहाँ पर जा नहीं सकते हैं, बस नहीं सकते हैं। उनके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट को या उनकी हिफाजत के लिए जो इंतजाम गवर्नमेंट को करने चाहिए थे वो इंतजाम वो नहीं कर सके हैं, तो इस कंडीशन में भी कुछ लोग हैं। तो ओवरऑल जो पोजीशन है वो ये है कि गवर्नमेंट को की जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी गवर्नमेंट पूरी नहीं कर सकी है और गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी थी कि उनको फिर से रिहेबिलिटेट करे, वो काम गवर्नमेंट नहीं कर सकी है। और जमात तो एक रिफाही काम करती है और उसी एंगल से जमात ने ये सोचा कि जो लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए कोई और रास्ता ही बाकी नहीं है तो उनको भी बसाना चाहिए और उनकी भी एक बेहतर ज़िंदगी बन सके, इसकी कोशिश होनी चाहिए। प्रोसेस में बात करेंगे तो लिविंग एंड लाइसेंस एक लीगल टर्म्स होती है इसकी। अच्छा। कि इसको यानी कब्ज़ा दे दिया जाएगा, लाइट बिल इसके अपने नाम पर होगा, वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मिल्कियत हम इसलिए नाम पर नहीं करते हैं कि इसमें हमने एक पैसा भी लिया नहीं है किसी से भी, 100% पैसा जमात का लगा है। और तजुर्बात ऐसे हैं हमारे, पहले से हम ये काम करते आ रहे हैं, तो अगर इसको नाम पर कर दिया जाता है तो वो बहुत जल्दी वो बेच बाज कर चला जाएगा। हमारा जो मकसद है वो इसको बसाना है और वो किसी और को अगर किराए पर दे देता है, बेच कर चला जाता है, तो ये मकसद जो हमारा है वो पूरा नहीं होता है। तो ऑनरशिप की जो सिस्टम है कि वो रहेगा उनका ही, उनका उस पर कब्ज़ा रहेगा, उनसे कोई लिया नहीं जाएगा, वो एक पूरा हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, वो डॉक्यूमेंट के मुताबिक वो सारी चीज़ें वो इसकी होंगी और ऑनरशिप हम कुछ साल के बाद करेंगे। हम इस पर हमको इत्मीनान हो जाएगा कि अब ये लोग यहीं बसेंगे रहेंगे तो हम ऑनरशिप। ये हमारी आइडियल चॉइस नहीं है, कहीं भी नहीं रहती, न गुजरात में, न आसाम में, न यहाँ, न कहीं और।
हम तो सबसे पहले ये चाहते हैं कि लोग जहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं वहाँ वापस जाने चाहिए, क्योंकि एक बिल्कुल नई टेंडेंसी डेवलप हो रही है कि लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाए। अब बरसों से, सालों से, सदियों से एक आदमी रह रहा है, इसकी जड़ें वहाँ लगी हुई हैं, इसकी सारी चीज़ें वहाँ हैं, इसके मकानात हैं, इसकी ज़मीनें हैं, वो सारी चीज़ें होने के बाद इसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है, तो फिर एक नस्ल इसकी ऐसी चली जाती है कि वो नई जगहों पर जल्दी से वो नहीं होती हैं। तो हमारा ये काम नहीं है, हम तो यही चाहते हैं। तकरीबन हर जगह हमने ये कोशिश की है, यहाँ भी हमने ये कोशिश की, आसाम में भी तकरीबन 400,000 लोगों को वापस उनके घरों में ले गए, गुजरात में हम तकरीबन 11,000 से 12,000 फैमिलीज़ को उनके उसी पुरानी जगहों पर ले गए। तो ये कोशिश हमारी यहाँ भी रही है। तो ये तो हमारे मजबूरी का मामला है कि पहली कोशिश हमारी यही रहती है कि लोग वापस जाने चाहिए, अपने गाँव में जाने चाहिए, वहीं वो इस्टेब्लिश होने चाहिए। और हमारे ख्याल में तजुर्बा भी ये कहता है कि वहीं वो ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो सकते हैं, नई जगहों पर जल्दी प्रॉस्पेरिटी नहीं आती है। तो ये तो हमारा मजबूरी का काम है, हर वक्त हम यही कोशिश करते हैं कि लोग अपनी पुरानी जगहों पर जाएं। लेकिन जब ये हम महसूस करते हैं कि अब कुछ लोग जा ही नहीं सकते हैं और उनके लिए अब कोई और रास्ता बाकी नहीं बचा है, तो हम इसलिए हमेशा हर जगह पर जमात इस्लामी हिंद लोग ऐसा कह सकते हैं कि लेट हो जाती है नए मकान तामीर करने में, लेकिन ये तो हमारी पॉलिसी है, हम पॉलिसी के मुताबिक कर रहे हैं।